क्या आपका भी पीसी या लैपटॉप में जब आप कोई भी रिसेंट एक्टिविटीज करते हो, जैसे कोई भी वीडियो देखते हो, फोटो देखते हो या कोई भी वर्क करते हो दोस्तों, तो वो आपका रिसेंट एक्टिविटीज में रह जाता है। जैसे कि आप सर्च आइकन पे, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सर्च आइकन पे, जैसे आप क्लिक करके कुछ भी फाइल को आप ओपन करते हो या कुछ भी आप सर्च करते हो, तो वहाँ जो रिसेंट आपका जो दिखता है रिसेंट एक्टिविटीज में आपका वो फाइल सब दिखने लगता है कि आप पास में क्या क्या किए हो दोस्तों, उसको आप कैसे डिसेबल करोगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि रिसेंट एक्टिविटीज को आप कैसे डिसेबल करोगे या कैसे आप उसको क्लियर करोगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पे क्लिक कर देना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको बंद करने के लिए आपको ये जो देख रहे हैं आप स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां जो आप देख रहे हैं सेटिंग का आइकॉन, ये सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां जो आप देख रहे हैं प्राइवेसी, ये प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां जो आप देख रहे हैं एक्टिविटीज हिस्ट्री, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये दोनों आपका चेकमार्क किया हुआ रहेगा, सबसे पहले तो ये दोनों को आप अनचेक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं क्लियर एक्टिविटीज हिस्ट्री, इसको आपको सिंपल सा क्लियर पे क्लिक करना है, उसके बाद सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना। दोस्तों आपका जो रिसेंट एक्टिविटीज हिस्ट्री था दोस्तों वो सारा कुछ आपका क्लियर हो चुका। अब आपका जो कोई भी आप वर्क करोगे या कोई भी आप वीडियो ऑडियो कुछ भी आप देखिएगा दोस्तों या कुछ भी आप वर्क करोगे वो आपका रिसेंट एक्टिविटीज हिस्ट्री में नहीं रहेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पे क्लिक कर देना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो जय हिंद वंदे मातरम।